गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रजनी केलत। आई एम गोइंग टू कंटिन्यू द चैप्टर एनेमी। बिफोर इट आई हैव टोल्ड यू दैट हाउ डॉक्टर सदाओ फाइंड एन एनेमी नियर द बीच। सो दिस इज द चैप्टर एनेमी विच हैज बीन टेकन फ्रॉम द बुक विस्टास। सो व्हेन हना एंड डॉक्टर सदाओ गॉट दैट पर्सन इन वाउंडेड कंडीशन and they Sadao muttered and when his fingers touched the wound and there was the blood started to flow। जैसे ही उसके हाथ जो हैं fingers जो हैं उसको touch करती हैं या ढूंढती हैं उस घाव को और उंगली लगते ही तेज खून बहने लगता है। वो उसे सी मॉस से उसको पैक करके उस समय ब्लीडिंग को रोक देते हैं डॉक्टर सदाओ। बिकॉज ही वॉज अ फेमस डॉक्टर एंड ही वॉज सर्चिंग हाउ वुंड कैन बी क्लीन प्रॉपरली। वॉट शैल वी डू विद दिस मैन। वैन दे सॉ द फेस ऑफ दैट मैन एंड दे रियलाइज दैट ही वॉज अ वाइट मैन। ही वॉज एन अमेरिकन। अमेरिकन्स एंड अमेरिका एंड जापान वर एनिमी एट दैट टाइम बिकॉज दिस वॉज द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर। तो वो बड़बड़ाया कि हमें अब हम क्या करेंगे इस व्यक्ति का। ही सेड दैट द बेस्ट थिंग दैट दे कुड डू वॉज टू पुट हिम बैक इन द सी एंड दे डिसाइडेड दैट इट विल बी बेटर टू थ्रो दिस पर्सन बैक इन टू द सी। ये बेटर होगा कि हम इसको वापस समुद्र में फेंक दें। Hana agreed with it. Hana was also agree with him. Sadao explained that it was a difficult situation. If they sheltered a white man in their house, they would be arrested. If they turned him over as a prisoner, he would certainly die. They were staring upon the inert figure with a curious repulsion because Sadao was a doctor. So as a doctor, his soul was not permitting him to throw this person back into the sea। उसकी जो आत्मा थी वो उसको गवाही नहीं दे रही थी कि घायल व्यक्ति को इस तरीके से समुद्र में छोड़ दिया जाए या उसको उसी हालत में छोड़ दिया जाए। They were in dilemma, both of them were in dilemma। Dilemma means दुविधा में थे कि what should they do, क्या करना चाहिए, उसको बचाना चाहिए या उसको वापस समुद्र में फेंक देना चाहिए या इसे आर्मी को हैंड ओवर कर देना चाहिए, किसी पुलिस को, पुलिस वाले को दे देना चाहिए। और दे हैव एज्यूम, वो एज्यूम कर चुके थे कि ये कोई प्रिजनर है जो कि जैपनीज आर्मी से भागा हुआ है और उसी उसमें इसकी गोली लगी है। What were they thinking? They were thinking, Sadao explained, that it was a difficult situation. There was a difficult situation in front of them. क्या थी वो? If they sheltered a white man. Situation क्या थी कि अगर वो उस white man को, एक American को, they give us shelter in their house. अपने घर में shelter देते हैं, shelter देते हैं, उसको अपने घर में उसको treatment देते हैं, तो they would be arrested. उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा एज अ ट्रीटर, उनको देशद्रोही करार करके उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। इफ दे टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर ही वुड सर्टेनली डाई। और अगर वो इसको एज अ प्रिजनर इसको अरेस्ट करा देते हैं या पुलिस को हैंड ओवर कर देते हैं विदाउट एनी ट्रीटमेंट, तो ही विल सर्टेनली डाई, तो निश्चय वो मर जाएगा। यानी दोनों तरफ से उनको दुविधा थी कि करें तो करें क्या। दे वर स्टीयरिंग अपॉन द इनर्ट, बोथ ऑफ देम वर स्टैंडिंग देयर एंड वर स्टीयरिंग दैट अनकॉन्सियस पर्सन। और दोनों ही उसको घूर कर देख रहे थे। मीन्स बोथ ऑफ देम वर वेरी काइंड हार्टेड पर्सन। देन दे ट्राइड टू फाइंड आउट वॉट ही वॉज। देन सॉरी, इससे पहले मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि हु वॉज दैट पर्सन। सो नाउ दे वर ट्राइंग टू फाइंड आउट हु वॉज दैट पर्सन दैट वॉज एन एनिमी, बट वट वॉज दिस पोजिशन, वट वॉज दिस डेजिग्नेशन, दे वॉन्टेड टू नो। सो ही लुक्ड अमेरिकन, वो अमेरिकन तो दिख रहा था, दिखाई देता था। एंड द बैटर कैप हैड फेंट लैटरिंग, उसने एक कैप पहनी हुई थी अपने सर पर जो कि पानी से गीली थी और काफ़ी टाइम से पानी में रहने के कारण उस पर जो वर्ड्स लेटर्स लिखे हुए थे वो फेंट हो चुके थे। और उसमें क्या लिखा हुआ था, US नेवी, फेंट लेटर्स में, यानी बहुत ही हल्के हल्के वर्ड्स में लिखा हुआ था US नेवी। मीन्स ही बिलोंग्स टू US नेवी, ही वॉज एन अमेरिकन हु बिलोंग्स टू नेवी। एंड दे कंक्लूडेड दैट ही वॉज अ सेलर फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप। और उन्होंने कंक्लूजन निकाल लिया था
ये कोई सेलर है अमेरिकन वॉरशिप का एंड हु वॉज अरेस्टेड बाई द जैपनीज आर्मी, जिसे कि शायद जैपनीज आर्मी के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है. एंड द मैन वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, और अब भी ये प्रिजनर है, कैदी है, युद्ध का कैदी है जैपनीज आर्मी के द्वारा, जिसे शायद अरेस्ट कर लिया गया था. एंड ही एस्केप्ड एंड वॉज वांटेड इन द बैग. और इसने क्या किया है, इसने कोशिश की वहाँ से बचकर भागने की. ही ट्राई टू एस्केप फ्रॉम द आर्मी एंड दैट्स वाई ही वॉज वांटेड, दैट्स वाई ही वॉज शूटेड एंड हैज बिकम वांटेड. और इसको शूट कर दिया गया और ये इस तरीके से घायल हो गया है. मीन्स उन्होंने ये उससे उसकी कैब पढ़ने के बाद उन लोगों ने ये आइडिया निकाला. हना आसदा, इफ देवर एबल टू पुट हिम बैक इन टू द सी, हना पूछती है क्या वो इसे वापस समुद्र में फेंक देंगे, क्या उसको वापस वही समुद्र में छोड़ देंगे. ऐसा सदाओ सदाओ थोड़ा हेजिटेशन फील किया उसने, उसको मतलब थोड़ा झिझक हुई. इफ द मैन हैड बीन होम ही कुड बी टर्न ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफिकल्टी एज ही वॉज हिज एनिमी, कि अगर ये ओवर होता, मीन्स अगर ये व्यक्ति सही होता तो शायद हम इसको हैंड ओवर कर देते बिना किसी परेशानी के, हम इसको पुलिस को हैंड ओवर कर देते. ऑल अमेरिकन्स वर हिज एनिमी, क्योंकि सारे अमेरिकन्स जो थे वो डॉक्टर सदाओ के या जापनीज के एनिमी थे. बट सिंस ही वॉज वुंडेड दे शुड नॉट थ्रो हिम बैक टू द सी, क्योंकि नाउ ही इज वुंडेड, ही वॉज वुंडेड, दैट्स वाई इट वॉज नॉट द ड्यूटी ऑफ अ डॉक्टर दैट दे विल लेफ्ट हिम इन द सी. ये उनकी ड्यूटी नहीं है कि वो एक वुंडेड पर्सन को समुद्र में छोड़ दें, ऐसे ही छोड़ दें या उसको समुद्र में वापस फेंक दें. हना ऑब्जर्व दैट देयर वॉज ओनली वन थिंग लेफ्ट टू डू, हना ने फिर ऑब्जर्व किया कि अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, वो क्या है, दे मस्ट कैरी हिम इन टू देयर हाउस, कि दे शुड कैरी दैट पर्सन इन टू देयर हाउस. If because they have they try to find out many ways to find this the solution of this problem, बहुत सारे रास्ते उन्होंने ढूंढे इस problem का solution करने के लिए, और finally उसको एक ही रास्ता दिखाई दिया, वो था कि उस व्यक्ति को उन्हें अपने घर ले जाना चाहिए. सदा was not sure about the reaction of the servants, सदाओ को नहीं पता था कि उसकी सर्वेंट्स का क्या रिएक्शन होगा इस व्हाइट मैन को देखने के बाद. हना सजेस्टेड दैट दे मस्ट टेल द सर्वेंट्स दैट दे इंटेंडेड टू गिव हिम टू द पुलिस, तो हना ने डॉक्टर सदाओ को सजेस्ट किया कि वो सर्वेंट्स को कन्विंस करेगी, समझाएगी कि वो उसे इसलिए लाए हैं ताकि इसको ट्रीटमेंट करके इसको पुलिस को सौंप सके, उसको हैंड ओवर कर सके, दे कैन हैंड ओवर टू द पुलिस टू दिस व्हाइट मैन. शी सेड दैट दे मस्ट डू सो अदरवाइज ऑल ऑफ देम वुड बी इन डेंजर, उसने इसलिए ऐसा कहा कि अब वो उन्हें ऐसा करना पड़ेगा, अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो उन सारों की जीवन जो खतरे में पड़ जाएगा. दे विल नॉट हैंड हिम ओवर टू द पुलिस दैन दे विल बी डेंजर. अदर टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन, ही वॉज वेरी लाइट, एंड फाइनली दे गॉट अ डिसीजन दैट दे विल सेव द लाइफ ऑफ दैट पर्सन. सो दे बोथ ऑफ दैम लिफ्टेड दैट मैन, उसको दोनों उठाते हैं. एंड ही वॉज वेरी लाइट वैन दे लिफ्टेड हिम दे फाउंड दैट ही वॉज वेरी लाइट वेटेड. वाई दे कैरीड हिम अप द स्टेप्स एंड इन टू द साइड डोर ऑफ द पैसेज, वो इतना हल्का क्यों था, क्योंकि उस वो ऐसा था जैसे वेदर होता है, पंख होते हैं, पंख की तरह जो था वो बहुत हल्का हो चुका था. क्यों हो गया था, डॉक्टर ने ये आइडिया लगाया कि शायद काफ़ी लंबे समय से इसने पेट भरकर भोजन नहीं किया, जिसकी वजह से ये इतना लाइट और हिज बॉडी हैज बिकम लाइक अ स्केलेटन. दे कैरिड हिम अप और वो उसे सीढ़ियों से अपने बैक साइड के डोर से पैसेज से होकर अंदर ले जाते हैं. दे कैरिड हिम टू एन एम्प्टी बेडरूम, वो उसे एक खाली रूम में लेकर बेडरूम में ले गए. सिंस द मैन वॉज क्वाइट डर्टी, और ये बेडरूम कौन सा था, सदाओ के फादर का. सदाओ के फादर जो थे, जब से उनकी डेथ हुई थी तब से ये बेडरूम को कभी यूज नहीं किया गया था.
सिंस द मैन वॉज क्वाइट डर्टी, क्योंकि जो मैन था, जो वाइट मैन था, डर्टी था, बहुत गंदा था, रेत लगी हुई थी क्योंकि रेत समुद्र में गिरा हुआ था, वो रेत में पूरी तरीके से जमा हुआ था. सो सदाओ सजेस्टेड दैट ही हैड बेटर टू बी वॉश्ड. तो सदाओ ने हना को सजेस्ट किया कि इट विल बी बेटर टू वॉश हिम. फर्स्टली पहले हमें उसको वॉश करना होगा. इफ शी फैच द वाटर ही वुड वॉश द मैन. ही सेड टू हना दैट इफ शी विल फैच द वाटर देन ही वॉश हिम. अगर वो पानी ले आएगी, गर्म पानी, हॉट वाटर, देन ही वुड वॉश हिम, देन सदाओ विल वॉश हिम. हना कुड नॉट बियर हिम टू टच द मैन, बट हना could not bear it that his her husband touch an enemy, a white man. वो नहीं चाहती थी कि उसके हस्बैंड जो किसी वाइट मैन को टच करें. सी ऑफर टू टेल द मेड यूमी. उसने ऑफर किया कि ठीक है, हम यूमी से कह देंगे. यूमी इज द मेड सर्वेंट ऑफ डॉक्टर सदाओ एंड हना. सदाओ टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मिंग अदर. सदाओ सेट ओके, यू कैन रिक्वेस्ट टू यूमी और आई विल ट्राई टू सेट टू अदर सर्वेंट्स. वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि वो अदर दूसरे सर्वेंट्स को इन्फॉर्म करेगा. ही विल ट्राई टू टेक द हेल्प ऑफ दोज सर्वेंट्स.